हेलो गाइस वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल नर्सिंग एस्पिरेंट जे आर आज हम डिस्कस करेंगे ओ टी एम सी क्यू फॉर एम्स डेली पार्ट सिक्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे इन दिस प्रोसीजर अ सैंपल ऑफ सस्पिशियस ब्रेस्ट इशू इज़ रिमूव फॉर पैथोलॉजिक एग्जामिनेशन तो इस प्रोसीजर का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के ऑप्शनस है ब्रेस्ट बायोप्सी मेस्टेक्टमी डायलिटेशन और लैप्रोटमी इसका सही आंसर है ब्रेस्ट बायोप्सी। नेक्स्ट द सर्जरी यूज टू ब्लॉक स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द सीमेंट दैट इज इजैकुलेटेड फ्रॉम कॉल्ड ऑप्शंस है ट्यूबेक्टमी सर्कमसिशन प्रोस्टेक्टमी और वैसेक्टमी ऑप्शंस लिखिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर है वैसेक्टमी नेक्स्ट हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दी ऑटो क्लेव टू कम्प्लीट इट साइकिल एट वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस ऑप्शनस आर थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड्स फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स थर्टी टू फोर्टी मिनट्स और सिक्सटी मिनट्स सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए तो इसका राइट आंसर है फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स नेक्स्ट क्वेश्चन

द प्रोसीजर यूज टू ट्रीट ऑर्गेनिक सेक्शुअल इम्पोर्टेंस इज ऑप्शंस है वेरिको इलेक्टमी पेनाइल इम्प्लांट टेस्टिकुलर इम्प्लांट और स्पर्मा स्परमैटो सेलेक्टमी सही ऑप्शन आप कमेंट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसका सही आंसर है पिनाइल इम्प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन द पलमोनरी कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग जनरल एनेस्थीशिया कॉजिंग लंग कोलाब्स इज नोन एज ऑप्शन्स है ब्रोंकिलास्तमा ब्रोंकाइटिस लंग फाइब्रोसिस या एटिलेक्टसिस सही ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका सही आंसर है एटिलेक्टसिस नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन विथ एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री इंटू द मसल इज ऑप्शंस है इंट्रा इंट्रामस्क्यूलर इंट्रावीनस पैरेंट्रल या फिर इंट्राडर्मल ये बहुत ईजी क्वेश्चन है आंसर करिए कमेंट सेक्शन में इसका राइट right आंसर है ए इंट्रा इंट्रामर जो इंट्रावीनस इंजेक्शंस होता है that is given as 20 to 25 degree intradermal is given at 10 to 15 degree जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है वो 45 डिग्री एंगल पे देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग ऑप्शंस आर प्लाज्मा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये क्वेश्चन इजी है आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए सही आंसर है प्लेटलेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड ऑप्शंस है एपनिया और थोपनिया हाइपर एपनिया या कार्डियक अरेस्ट आंसर बताइए इसका राइट right आंसर है ए एपनिया नेक्स्ट क्वेश्चन द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स बाय मींस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन इज कॉल्ड ऑप्शन्स है टाइडल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी डिफ्यूजन या वेंटिलेशन Right answer is ventilation. That's all for today. Thank you for watching Nursing Aspirin Jair.